हिडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से गौतम अदाणी ने काफी सुर्खियां बटोरी हैं। बता दें कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट आते अदाणी के शेयरों में काफी गिरावट दर्ज हुई। हालांकि अब अदाणी ग्रुप पर इस रिपोर्ट का असर कम होता दिख रहा है, लिहाजा अब अदाणी ग्रुप के कंपनियों के शेयर धीरे धीरे वापस चढ़ने लगे, जिसकी वजह से अगर ये कह दें कि अदाणी ग्रुप के नुकसान की भरपाई होने लगी है तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन जहां अदाणी ग्रुप लंबी लड़ाई के बाद राहत की सांस ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के सबसे रईस शख्स मुकेश अंबानी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक रिपोर्ट की माने तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की दौलत महज सोमवार को 1.3 अरब डॉलर घट गई। जी हाँ, फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी ने एक ही झटके में 1.3 अरब डॉलर यानी करीब 106,967,640,001 रुपए की दौलत गवा दी, जिसके बाद मुकेश अंबानी 82.1 बिलियन डॉलर के नेटवर्थ के साथ फोर्ब्स बिलियनियर्स की इंडेक्स लिस्ट में 8वें नंबर से खिसक कर 10वें पायदान पर पहुंच गए। वहीं अगर बात अदाणी के पायदान की करें तो अमीरों की लिस्ट में अदाणी 37वें पायदान से बढ़कर 48.5 अरब डॉलर के साथ 24वें नंबर पर पहुंच गए हैं। सोमवार को हफ्तों के पहले कारोबारी दिन में गौतम अडानी की संपत्ति में 1.3 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। गौर करने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ गौतम अडानी कम बैक कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी की संपत्ति गिरती नजर आ रही है। वहीं बीते कुछ दिनों से शेयर बाजार से रिलायंस के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही। बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन के बाद हफ्ते के पहले कारोबारी दिन में रिलायंस के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। बीते दिन रिलायंस के शेयर 1.65% तक गिरकर 2,284.90 रुपए पर पहुंच गए, जबकि शुक्रवार को रिलायंस के शेयर में 1.5% तक गिरावट दर्ज की गई। यही नहीं, शुक्रवार को कंपनी का मार्केट कैप 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा गिर गया था, जिसके साथ ही शुक्रवार को कंपनी का मार्केट कैप 15,71,724 करोड़ रुपए था, जो सोमवार को गिरकर करीब 10 लाख रुपए पहुंच गया। ऐसे में अंबानी को आगे क्या और कितना नुकसान होता है ये देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।